तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तो क्या हाल है आपके? तो आज जब मैंने कुछ सोचा तो मुझे लगा कि जैसा आजकल इस देश के अंदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मानव जात बहुत जल्द बदलने वाली है। हो सकता है आपके पोती पोता आपके जैसे ना दिखें, हो सकता है उनका शरीर बैगन जैसा और उनकी शक्ल भिंडी जैसी हो, क्योंकि टैलेंट के सारे लोग पहले फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ आटू झाटू हरकतें करके लोग फेमस हो रहे हैं। भैंसों जिंदगी के लौड़े लगा रखे हैं ऐसे लोगों ने। देखिए इस लड़की को कैसे बिना कपड़ों के मेट्रो ट्रेन में सफर कर रही है ये बहन जी। तो इस वीडियो के बाद ये अपने आप को और भी जाबेज समझने लग गई है। मतलब पहले एक कमती बहन जो दूसरी और आ गई दिमाग के लौड़े लगाने, एक को संभालना मुश्किल था, एक और आ गई। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। मानते हैं गर्मी है, लेकिन इतनी भी थोड़ी ना है कि बिना कपड़ों के घूमना पड़े यार। तो पंखा चला लो क्योंकि वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और ये तो कुछ भी नहीं है। Who the hell are you to comment on my clothes? कौन हम? हम आपके फॉलोअर्स हैं मैडम। हम आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं क्योंकि हमारा कमेंट करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें कमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हरकतें ही आपकी ऐसी हैं। हाँ? Who are you? शकल देखी अपनी? शकल? अरे हमने तो अपनी शकल देख ली, लेकिन तुझे अपनी शकल देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर तूने अपनी शकल देख ली ना तो वीडियो बनाने का तो तेरा बैस ही मन नहीं करेगा। बिना मेकअप के भीगी बिल्ली और मेकअप के बाद जंगली बिल्ली, तो अपनी शकल देख के आ पहले। Whatever I am 1000 times better than you. ऐसी शकल जब बनती है जब किसी की शादी में गाड़ी की डिग्गी में दारू ना हो। मैं कहता हूँ वही रुक जा, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। दुश्मनी का भी नहीं, भूतनी जैसी शकल की। हाँ, क्योंकि लौंडों पे इतना टाइम नहीं है ना कि वो तुम्हारे जैसे निप्पी के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करें, इसलिए मच्छर आ रहे हैं। क्योंकि तुमने अपनी आईडी का नाम भी यही रख रखा है, प्रिटी पेस्टी, तो उसको देख के लड़के नहीं मच्छर ही आ सकते हैं। तो अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मच्छर की जगह एनाकोंडा भी आ सकता है। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। अबे सड़े आम की गुडली, मेकअप करना तो सीख ले। Like, I'm really very grateful for that. और साथ ही में मुझे एक बात और भी बोलनी है, जो बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितने भी गूगल पर मेरे बारे में न्यूज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सभी फेक हैं। उनमें से कुछ भी मैंने खुद नहीं बोली हैं। माना ये सब फेक है, लोग बाग अफवाहें बना रहे हैं, लेकिन ये तो रियल है ना। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। शकल देखिए इसकी, इसकी शकल देख के तो कुत्ते भी शर्मा जाएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेकअप लगाने के लिए इसके पास पैसे हैं, लेकिन अपने शरीर को रखने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो किसी को हेट ना करें। हाँ, और वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबाना कब सीखोगे यार? उसे दबाना सीखो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है, तुम्हारे लिए वीडियोस लाता है और तुम्हें एंटरटेन करता है, तो उसे दबाना सीखो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी।